हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। शिमला जिले से तो लैंडस्लाइड के बाद हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम चट्टान पेट्रोल पंप पर गिरती दिखाई दी। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में पेट्रोल पंप पर कुछ लोग तेल भराते नजर आए, लेकिन तभी अचानक पहाड़ से खिसककर नीचे आई चट्टान का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा, जिसकी चपेट में आकर वहां खड़ी तीन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जबकि एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हादसा इतना भीषण था कि पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों के पास भागने तक का वक्त नहीं था। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में सिर्फ एक आदमी को ही चोट आई। जोरदार बारिश के बाद हुई तबाही का एक वीडियो चंबा जिले से भी सामने आया, जहां पहाड़ से सैलाब के साथ आए मलबे में एक तीन मंजिला इमारत का नामो निशान मिट गया। लैंडस्लाइड के कहर बरपाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ से पानी के साथ मलबा। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। तेजी से उस मकान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। जैसे ही मलबे का ढेर मकान के ऊपर से गुजरा, वो पूरी तरह मलबे में समा गया। ऐसा लगा मानो वहाँ पहले से कोई मकान रहा ही ना हो। ऐसी ही तस्वीरें मंडी जिले से भी सामने आई, जहां जमीन खिसकने से सड़क पर इतना मलबा जमा हो गया कि ट्रैफिक ही थम गया, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। सबसे बुरे हालात यहां पर मंडी के हैं, जैसे कि आपको पता है कि अकेले मंडी में 13 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश की वजह से कई इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। इस बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। वहां उफान मारती नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया, जिसके बाद उसके ड्राइवर की जान मुश्किल में पड़ गई, लेकिन उसने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली, क्योंकि सैलाब को पार करते करते जैसे ही वो बीचों बीच पहुंचा, ट्रैक्टर ने दम तोड़ दिया। ड्राइवर ने उसे पार लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ट्रैक्टर के पहिए तो घूमते रहे, लेकिन वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुआ। इसके बाद बहाव बढ़ता गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पानी को भांपते हुए उसने अपने ट्रैक्टर को पीछे लेना शुरू किया। ना ना भाई साहब, दिमाग लगा रहा। इसके बाद पानी की रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान ट्रैक्टर को सही तरीके से पीछे करने में लगाया। एक पल को लगा मानो नदी ट्रैक्टर को निगल कर ही दम लेगी, लेकिन ड्राइवर भी पूरी ताकत से अड़ा रहा, जिसके बाद उसने पहले ट्रैक्टर को आहिस्ता आहिस्ता पीछे लिया और फिर मौका मिलते ही उसे घुमाकर उसी नदी किनारे पहुंच गया जहां से वो आया था। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां बीते कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर शहर के मशहूर बड़ा तालाब में भी देखने को मिला, जहां किनारे पर खड़ा एक काफी बड़ा क्रूज देखते ही देखते डूब गया। क्रूज डूब चुका है और सारी जो गतिविधियां हैं बोट क्लब पर होने वाली सारी गतिविधियां बंद है। तालाब में लहरें इस तरह उठती दिखी जैसे समंदर में लहरें उठ रही हों। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण तालाब में पानी बढ़ गया। ऐसे में तालाब में उठती ताकतवर लहरों की वजह से इतना बड़ा क्रूज भी नहीं टिक पाया और तालाब में कहीं गुम हो गया। वो इन ताकतवर लहरों से जूझते हुए धीरे धीरे किनारे तक पहुंचा। उधर झारखंड के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। जोरदार बारिश के बाद स्वर्णरेखा नदी में आए उफान से जमशेदपुर में सैकड़ों घर पानी में ही डूब गए, जिसकी वजह से लोग घरों में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घर की दूसरी मंजिल पर खड़े लोगों को एक एक कर धीरे धीरे नाव पर बिठाया गया और फिर उन्हें सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो घर छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में प्रशासन की टीम ने उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ा और उनके लिए जरूरी चीजों का इंतजाम किया। ये नहीं आना चाह रहे तो उनको भी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनका खाना है, वो दूध हुआ, पानी हुआ, वो भी दिया जा रहा है। झारखंड के कई जिलों में जोरदार बारिश जारी है और नदियां उफान पर हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, जहां पर एनडीआरएफ की टीमें लोगों को मदद पहुंचा रही है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर में 500 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जबकि 2000 से ज्यादा परिवार बाढ़ की चपेट में आ गए। जमशेदपुर के अलावा गुमला जिले में भी भारी बारिश हुई, जिससे नदियां उफान पर आ गईं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक हिस्से में तो कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पुल ही सैलाब की भेंट चढ़ गया।
पुल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह टूटा नजर आया, जबकि उसके नीचे तेज रफ्तार से पानी बहता दिखाई दिया। बारिश के साथ जोरदार हवाओं के चलने से कुछ जगहों पर तो भारी भरकम पेड़ भी उखड़ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक थम गया। यही नहीं, कई लोगों के घरों पर भी पेड़ गिर गए। जानकारी के मुताबिक गुमला में अलग अलग हिस्सों में घर गिरने से करीब 12 लोग जख्मी हो गए, जबकि मिट्टी के बने 50 घरों को नुकसान पहुंचा। और इस बीच ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य की सभी नदियां उफान पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए कटक, पुरी और बालेश्वर समेत कई जगहों पर सरकार ने प्रशासन को बाढ़ से निपटने की तैयारी करने के निर्देश भी दिए, क्योंकि राज्य के कई जिलों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिस वजह से हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे खराब हालत तो पुरी की हो गई है, जहां पिछले कई दिनों से लोग बाढ़ में फंसे हैं। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों में सामान पानी में बहता नजर आया। घुटने तक भरे पानी में लोग अपने दिन काटने को मजबूर हो गए हैं। ये स्थिति सिर्फ एक गांव की नहीं है, यहाँ पर 3 से 4 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से फिलहाल पानी में समा गए हैं। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुँचाना बड़ी चुनौती बन गई है। इस तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आईं।